जय दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह चौहान, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। दोस्तों, मिशन हमारा टॉपिक चल रहा था, आज पार्ट दो यानी भाग दो लेके आया मैं उसका। जिसने मेरे बारे में जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा आप लोग देख सकते हो, और फिर एक और बार मैं उसकी हिंट आप लोगों को यहाँ दे रहा हूँ कि किस तरह से हम मिशन निकालना शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मिशन हमेशा दो समान वस्तुओं का मिश्रण निकालते हैं, ये ठीक है। अब देखो वहां पर हम लोग कैसे पहुंचते हैं, सबसे पहले याद रखना एक होगी आपकी महंगी वस्तु और दूसरी होगी आपकी सस्ती वस्तु। जैसे मैं यहां ले लेता हूं, जैसे मुझे दे रखा है क्रेमोल एक इकाई वस्तु का क्रेमोल, या लिख सकते एक इकाई सस्ती वस्तु का, सस्ती वस्तु का। दूसरा मुझे दे रखा है एक इकाई महंगी वस्तु का क्रयमूल्य। हमेशा याद रखना क्रयमूल्य आपको लेके चलना है। अगर एक क्रय दे रखा है, एक क्रय दे रखा है, तो आप उसको भी क्रय निकालना है, क्रय बनाना है। देखो कैसे, ये आपकी सस्ती वस्तु है और ये आपकी महंगी वस्तु है, और ये यहां जो आप उसका अंतर निकाले कैसे निकालेंगे, जो होता है आपका निकल के आता होता है आपका मिश्रण, ठीक है। सस्ती वस्तु को आप दर्शा सकते हैं सी से, महंगी को आप दर्शा सकते हैं डी से, ठीक है। और यह मिश्रण है, इसको आप कैसे दर्शा सकते हो एम से। दोस्तों इसे कहते हैं वेन डायग्राम, क्या कहते हैं वेन डायग्राम, या आप लिख सकते हैं इसको बी डायग्राम, ठीक है। बी कैसे, देखो इस तरीके से ये बी बन रहा है हमारा, इसके बाद इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मिश्रण को निकाल सकते हो। देखिए अब यहां कैसे निकालेंगे आप, तो जो एम दे रहा था, तो आप यहां करेंगे पहले डी माइनस एम। देखिए यहां से मिश्रण निकल के आएगा, तो इसमें से इसको हटा रहा है, और यहां से इधर इस तरह से यहां से इसे जा रहा है, यहां से इसमें से हटाएंगे तो आपको जाएगा डी माइनस ए, और यहां से वापस आप ऊपर जाओगे तो आपका निकल गया ए माइनस ए। ऐसा नहीं कि डी में से ये इसको घटाया तो यहां से भी इसको घटाया। मिश्रण हमेशा कैसे होगा, इस मिश्रण से एक वस्तु आपकी क्या होगी, महंगी होगी, और दूसरा दाम आपका क्या होगा, कम होगा, यानी कि सस्ती होगी। तो हमेशा याद रखना डी यहां से चल के इस तरह से इसको हल करते हुए चल रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका डी माइनस ए, यानी इसमें से इसको घटाना है, फिर इसका अनुपात यानी मिश्रण निकालना है, इसमें से मिश्रण में से एक दूसरे को बिंदु घटाना है। ये इसका सूत्र है सीधा सीधा, डी माइनस ए अनुपात ए माइनस सी, ठीक है। अब देखो प्रश्न लेके आ रहा है, चलिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने है। 37 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48.40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल से, यानी कि भाव आपको दे रखा है, मान लो आपने शक्कर ली है उसका भाव है 37 रुपए या 40 रुपए, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम के चावल कितने का है 40, तो आपने कितने लिए 25 किलो चावल लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको दे रखा है 48.40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल 25 किलोग्राम चावल से मिलाया जाए कि मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने से 15% का लाभ हो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, या तो आपको क्रय मूल्य बना दो या विक्रय मूल्य दे रखा है तो उसको क्रय बना दो। तो देखो मैं यहाँ विक्रय मूल्य को क्रय बनाऊंगा, आपको दे रखा है 46 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से, तो ये आपको क्या दे रखा है 46 रुपए, इस हिसाब से आप क्या करो बेचने की बात कर रहा है, ये आपको क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आप यहां से क्या निकाल के लाएंगे, क्रय मूल्य यानी खरीदने वाली कीमत, तो जब भी आपको दे रखा है 15% लाभ हो तो किस पे हो रहा है 100 पे, तो मैं कर दूंगा 100 पे, कितना प्रतिशत लाभ बन रहा, तो मैं कितना कर दूंगा 100/115 गुणे कितने पे बेच रहे पर 46 रुपए बेच, ठीक है। दोस्तों इसको आप काट दो, 5 × 10 = 0, 5 × 10 = 15, 23 आप काटोगे 23 × 46 और 20 × 2 कितना हो जाएगा आपका 40 रुपए, ये आपको क्या निकल गया है क्रय मूल्य, बस यही आपका मिश्रण है। अब देखो एक दाम आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 37, देखो इस तरह से बना लेना कर दिखा, दूसरा आपको दाम कितना दे रखा है 48.40 और मिश्रण आपको कितना निकल के आया 40, ठीक है। देखो एक तो संख्या इससे कम नहीं रखी है, दूसरा इससे ज्यादा दे रहा है, ये हमारा मिश्रण है, इसमें से इसको घटाएंगे आप तो आपका निकल के आएगा 8.4, इसमें से इसको घटाएंगे आप तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 40 में से 37 घटती,
दशमलव दे रखा है, चाहो तो इधर से हटा के इसको जीरो बढ़ा दे, तो कितना आया 84.30। चाहो तो इसको काट दो, 6 × 6 = 24 × 5 = 30। कितना है आपका 14/5। अब वो पूछ रहा है आपसे कि कितने चावल प्रति किलो, 25 किलोग्राम चावल से मिलाया जाए, यानी कितने किलोग्राम चावल मिलाया जाए, ये आपको निकाल के लाना है। तो कैसे निकालेंगे, 14/5 आपको दे रखा है, तो यहाँ लिख देता हूँ आपका 14/5 यानी 14/5। अब किस पे बात कर रहा है वो, आपके 25 किलोग्राम पे बात कर रहा है, तो मैं गुणा क्या करूंगा यहाँ पे 25, तो 5 × 5 कितना हुआ आपके 25, और 14/5 कितना होता है आपका 70। बस दोस्तों यही आपका उत्तर, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, दो मात्रा आपको दे रखी है, तीसरी आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, तो उसको क्रय में बदल दो। क्रय में बदलने के लिए हमने क्या पढ़ा है, जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है 100 पे हो रहा है, तो 100/115 गुणे विक्रय मूल्य क्या है 46, इसको जब एक दूसरे से भाग दोगे काटोगे तो आपका 40 निकल के आएगा, और 40 मेरा क्या निकल के आया था, 40 मेरा निकल के आया था क्रय मूल्य, यानी कि हमारा मिश्रण। तो मैंने मिश्रण में से जब इन दोनों को घटाया तो आपका निकल गया 14/5, तो आप देख सकते हो 14/5। बात किसकी कर रहे हैं, 25 किलोग्राम चावल की, तो मैंने गुणा कर दिया 25, ठीक है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके निकल कितना आया 70 रुपए, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी की अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है आपसे कि 36 रुपए प्रति लीटर वाला दूध, मैंने मान लिया कि मेरा कोई पात्र है, इसमें मेरे पास है 36 रुपए प्रति लीटर वाला दूध। अब वो कह रहा है दूध के साथ पानी, पानी मान लो मेरा ये रहा, या मैं मान लेता हूं मेरा दूध है और ये मेरा है पानी। वो कह रहा है पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का मूल्य यानी कि ये रहा मेरा मिश्रण, तो मैं यहां लिख सकता हूं मिश्रण, तो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 28 रुपए हो जाए। अब पानी की कह रहा है, तो दोस्तों देखो पानी नहीं है मेरे पास, तो मैं पानी को क्या मान लूंगा जीरो। अगर वो प्रतिशत की बात करता तो मैं यहां प्रतिशत क्या मान लेता हूं, यहां प्रतिशत भी ले लेता मैं 100, लेकिन यहां मेरे पास सीधी संख्या दे रखी, तो मैंने क्या ले लिया जीरो। अब देखिए ये 36 है, ये जीरो है, मिश्रण आपका कितना 28, तो मैं क्या करूंगा इधर से इसको घटा दूंगा और इधर से इसको घटा दूंगा। आ रहा है समझ, 28 में से आप जीरो घटाए कितने बचे आपके 28 बचेगा, और 36 में से 28 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा 28, देखो जीरो 28 में जीरो घटाएंगे 28 बचेगा, और इधर 36 में से 28 घटाएंगे आप तो 8 बचेगा, तो आपका क्या निकल गया है यहाँ पे 28/8 निकल गया। चाहो तो आप ये उत्तर हो सकता है, लेकिन अगर और कट रहा है तो आप काट सकते हैं, काट दो इससे 4 × 4 = 28 और 4 × 8 आपसे अनुपात पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा दूध और पानी का अनुपात 7/2, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए बात कर रहा हूं मैं एक मात्रा की, ये मैंने मान लिया सस्ती वाली चीनी, और ये मैंने आपका मान लिया है आपकी महंगी वाली चीनी, ठीक है। ये दोनों का निकल जाएगा आपका मिश्रण, तो मैं मान लेता हूं 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी, यानी कि इसका भाव कितना दे रखा है आपको 48, ठीक है। 60 किलोग्राम चीनी जो कि ले, मात्रा कितनी आपके पास 60 किलोग्राम चीनी है, भाव के हिसाब से 48 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसका भाव है। अब बात करें आपको दे रखा कितना 55 रुपए प्रति किलोग्राम, तो दूसरे की मात्रा आपको क्या दे रखी है, इसका भाव 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है चीनी है, वो कह रहा है कि मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य कितना हो जाए 52.50, यानी कि मिश्रण क्या हो गया 52.50 आपका मिश्रण हो गया, यानी आपको निकालना क्या है ये वाला भाव, ठीक है। चलिए निकालते हैं, वही हमारा एक दूसरे में से आप इसको घटा दो तो दोनों का अनुपात निकल के आएगा, तो दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात यानी कि सस्ती चीनी और महंगी चीनी,
55 में से 52.50 को आप घटाइए तो आपका कितना आएगा उत्तर 2.50। ऐसे ही आप 52.50 में से 48 को घटाएंगे तो आपका क्या निकल गया आएगा उत्तर 4.50। ठीक है, यहां की दो संख्या के बाद आपका दशमलव आ रहा है, दो संख्या के बाद आपका दशमलव आ रहा है, तो यहां से एक दूसरे को आप काट दो, इधर भी जीरो से जीरो कट जाएगा, पांच से कट जाएगा, 55 5 25 और 5 9 45, यानी दोनों का अनुपात क्या निकल गया 5:2। तो आपसे पूछा किसका है, 60 किलोग्राम वाली चीनी, तो जिसका भी पूछा जाए हमेशा याद रखना उससे नीचे लिखना, तो आपका दोनों का अनुपात क्या जाएगा 9/5 गुणित आपको कितना दे रखा है 60, क्योंकि 60 का आपसे पूछा काट दो इसको, 5 × 5 5 × 2 = 10, 12 9 कितने होते हैं 9 × 18 = 96, 108। तो आपका जो भाव पूछा हो कितना है 108 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, यह आपका उत्तर फटाफट नोट करें। तो कमेंट्स में जरूर लिखना, वन मिनट शायद रेड मार्कर से दिख रहे दिखा नहीं आप लोग को, मैं यहां लिख देता हूं दोबारा। देखिए एक दे रखा था आपको 60, दूसरा आपका दे रखा था 65 और मिश्रण आपका निकल गया 62, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका है 3 62 60 को घटा दो आपको उत्तर क्या निकल गया 3/2। उम्मीद है बेहतर दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों फटाफट नोट्स बनाते जाइए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, 7:2 इसमें कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। देखो दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करूं, किताब में क्या दे रखा है, दूसरी जगह क्या दे रखा है, और भी वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें क्या दे रखा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से आसान तरीके से लेके आ रहा हूं, आप जब तक इनके नोट्स नहीं बनाएंगे, इनको हल नहीं करेंगे, पूरे वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या होती है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और बहुत ही आसान तरीके से 5 से 7 सेकंड में आप इसको उत्तर निकल के आएंगे। देखो कैसे 729
पूरी मात्रा आपको कितनी दे रखी है 729, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है 7:2, यहां लिख लेता हूं दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है 7:2, यानी दोनों की मात्रा मिला दो तो कितना हो गया 2 लीटर हो गया। तो मैं यहां पहले दूध का निकाल लेता हूं, यदि मैं दूध का निकालूंगा तो 729 गुणे दूध हमारा कितना 7, दोनों का कुल कितना मिश्रण है 9 लीटर, तो मैं बटे में कर दूंगा। ऐसे कैसे पानी का निकाल लेता हूं, तो 729 गुणे पानी कितना है 2, कुल मात्रा कितनी है 9, मैं इससे काटूंगा 7 × 8 9 × 8 72 और 1 कितना आया आपका 7 × 7 7 × 8 56 567, यानी 567 आपका यहाँ पे निकल के आया दूध। पानी की मात्रा निकाल 9 × 8 72 9 × 9 81 2 × 2 और 2 × 8 16, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं दूध और पानी का अनुपात, तो मैं यहां लिखता हूं दूध और पानी का अनुपात, तो दूध हमारा कितना है 567 अपॉन पानी कितना है 162, वो कह रहे हैं कितना पानी मिलाया जाए, तो मैं एक पानी मिला देता हूं बराबर 3 का अनुपात कितना हो जाए 3 × 7 = 3 हो जाए, बस इसका गुणा इधर करना है आपको, इसका गुणा इधर करना है, 3 का गुणा आप इधर करेंगे तो आपको उत्तर निकल के आएगा 3 × 7 = 21 का 1 हासिल 2, 3 × 6 = 18 और 2 = 20 का 0 हासिल 2, 3 × 5 = 15 और 2 आपका कितना हो गया 1700। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7×2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 7×1 में गुणा होगा प्लस 7 × 2 = 14 हासिल 1, 7 × 7 = 42 और 1 = 43 और हासिल 4, फिर 7×1 = 7 × 1 और 7×7 = 4 कितना हो गया 1134। तो मैं यह निकाल लेता हूं 1701 −6 = 1134 = 7×, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी आपको, थोड़ा कैमरे को नीचे कर देता हूं, ठीक। 1701 में से आप 1134 को घटाएंगे, 11 में से 4 गए, कितने बचे आपके साथ, यहां से ले लिया तो 9 बचा है, तो 9 में से 3 में बचा आपका 6, यहां 6 बचे, 6 में से 1 गए आपका बचा 5 और 1 में से 1 गए 0 बचा, बराबर कितना आपका 7×, तो x की मात्रा निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं 567 बटे में 7 काट दो 7 × 2 = 56 और 7×7 यानी आपकी मात्रा कितना निकल गया 21, यानी कितना लीटर पानी मिलाएगा 81, ठीक है दोस्तों। ये आपका Part-2 समाप्त हो गया, Part-3 में 2 से 3 प्रश्न मैं आपके लिए अलग अलग लेके आता हूँ, तब तक आप लोग खूब मेहनत करें और इसके नोट जरूर बनाते जाएं, आप चाहे कोई सा भी वीडियो देखें कोई सा भी प्रश्न करें, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे सारी मेहनत बेकार है। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियोस के साथ, जय हिंद जय भारत।